वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के बीच में। तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते जाते हैं, हमारा आउटपुट जो है टोटल प्रोडक्ट जो बढ़ता जाता है फर्स्ट स्टेज में, सेकेंड स्टेज में बढ़ता है लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता, और थर्ड स्टेज में हमारा टोटल आउटपुट जो है कम होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको एग्जांपल देखी एग्रीकल्चर लैंड की, कि एक जमीन पीसा टुकड़ा अगर किसी के पास है, उसमें अगर एक आदमी काम करता है तो उसका प्रोडक्ट कम होता है, दो करेगा तो ज्यादा होगा, तीन करेंगे और ज्यादा होगा, चार करेंगे तो और ज्यादा होगा, हो सकता है बस में मैक्सिमम चार की कैपेसिटी उसके पास हो। अगर पांचवा लगाता है फिर उसका आउटपुट कम होना स्टार्ट हो जाता है, छठा वेरिएबल यूनिट फिर लगाएगा तो और कम हो जाएगा। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आज हम पढ़ेंगे इनका रिलेशनशिप आपस में क्या है, टोटल प्रोडक्ट का, मार्जिन प्रोडक्ट का और एवरेज प्रोडक्ट का। हमारे पास दे रहे इनपुट्स और टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, कि मैंने आपको कहा था अगर हमारे पास इन तीनों में से कोई एक दिया होगा तो हम बाकी दो को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो प्रॉब्लम है उन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ इनपुट जब वन है तो टोटल प्रोडक्ट आ गया टू, अगर यूनिट ऑफ इनपुट्स टू है तो टोटल प्रोडक्ट आ गया फाइव यूनिट्स। इसी तरह से थ्री यूनिट पे अगर इनपुट तीन है तो टोटल आउटपुट आ गया नाइन, इसी चार पे बारह, पाँच पे चौदह, छः पे पंद्रह, सात पे पंद्रह, आठ पे। इसको हम एक टेबल में प्रेजेंट करते हैं, पहले यूनिट्स ऑफ लेबर, इसमें हमने पढ़ा था कि एक यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, यूनिट्स ऑफ लेबर, फिर हमने टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसके बाद हमने निकालना है मार्जिनल प्रोडक्ट, फिर निकालना हमने एवरेज प्रोडक्ट, फिर हमने बोलने कौन सी स्टेज है ये, यूनिट्स ऑफ लेबर हमारे पास दिए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फिक्स फैक्टर जो मान लो हमारे पास एक लैंड का एक टुकड़ा है वो हर एक के लिए बराबर रहेगा, अगर एक रात का एक खेत है वो सबके लिए सेम रहेगा, फिक्स फैक्टर जिसको बोलते हैं। उसके बाद टोटल प्रोडक्ट दिया हुआ है टू फाइव नाइन ट्वेल्व फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन फिर फोर्टीन। अब मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन। टोटल प्रोडक्ट मान लो एन हमारे पास आ गया वन, एन आ गया वन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो उस वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स यानी इस वन का टोटल प्रोडक्ट आ गया टू माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन, एन माइनस वन करेंगे वन माइनस वन तो जीरो, जीरो का कुछ नहीं तो मार्जिनल प्रोडक्ट टू का टू रहेगा। एक एक फार्मूला, एक दूसरा सिंपल हमने कहा था कि जो दो कंटिन्यूस यूनिट्स है उनके बीच का डिफरेंस जो है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। तो पांच माइनस दो निकालेंगे तब भी हमारे पास आएगा तीन, नौ में से पांच आ जाएगा चार, बारह में से नौ आ गया तीन, चौदह में से बारह आ गया दो, पंद्रह में से चौदह आ गया एक, पंद्रह में से पंद्रह आ गया जीरो, चौदह में से पंद्रह आगे माइनस। इसी तरह से ये तीन स्टेजेस आ गई हमारे पास। यहां हम देख रहे हैं पहले कि टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पहले दो फिर पांच फिर नौ, यानी इनका मार्जिन कितना था, पहले दो यूनिट्स का फिर तीन यूनिट्स का फिर चार यूनिट्स का, लेकिन तीसरे यूनिट के बाद
मार्जिन प्रोडक्ट का मोना स्टार्ट हो गया है 3 2 1 0। ये सेकंड स्टेज आ गई इसकी, यहां पर हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। टोटल प्रोडक्ट हमारा 9 12 14 15 बढ़ रहा है, लेकिन एट डिक्रीजिंग रेट, जो पहले रेट था बढ़ने का उतना नहीं है, उससे कम है। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसका टोटल प्रोडक्ट फिर कम होना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव टोटल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम एवरेज प्रोडक्ट भी निकाल लें, एवरेज हमने कहा था टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लेबर जो है, टोटल यूनिट्स अगर हमारे पास 2 है, नंबर ऑफ लेबर यूनिट्स जो है 1 2 बाई 1 तो 2 आ जाएगा। इसी तरह से 5 बाई 2 तो 2.5 आ जाएगा, 9 बाई 3 तो 3 आ जाएगा, 12 बाई 4 तो 3 आ जाएगा, 14 बाई 5 2.8, 15 बाई 6 2.5, 15 बाई 7 2.14, 14 बाई 8 1.75 आ जाएगा। यह आ गया हमारे पास स्टेज फर्स्ट। ये आ गया हमारे पास स्टेज सेकंड। ये आ गया हमारे पास स्टेज थर्ड। तो ये हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है एक स्टेज तक इंक्रीजिंग रेट से, यहां तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर यहां से बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट पर बढ़ रहा है यहां तक, और यहां बढ़ रहा है फॉल कर रहा है कम हो रहा है। इसी तरह से हमने मार्जिन प्रोडक्ट देखा, पहले ये बढ़ रहा है 2 3 4, फिर उसके बाद मार्जिन प्रोडक्ट कम होना स्टार्ट हो जाता है, हाईएस्ट पर पहुंच के फिर कम, फिर 0 और फिर माइनस हो जाता है। और एवरेज प्रोडक्ट जो है, एवरेज प्रोडक्ट पहले 2 फिर 2.5, ये भी बढ़ रहा है पहले, फिर एक स्टेज आ गया इक्वल, फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसकी एक खासियत है कि जो एवरेज प्रोडक्ट है वो कभी नेगेटिव नहीं होता है, 0 से नीचे नहीं जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आउटपुट होगा तभी तो एवरेज प्रोडक्ट आएगा, अदरवाइज एवरेज प्रोडक्ट को नेगेटिव जाने की कोई बात नहीं है। अब डायग्राम भी ड्रा कर देते हैं इसकी। यहां से हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पर लेंगे यूनिट्स ऑफ लेबर या यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जो है, और वाई एक्सिस पर हम ले लेंगे टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट या एवरेज प्रोडक्ट। ग्राफ ड्रा कर लेते पहले टोटल प्रोडक्ट का, यहां से यहां ये ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 4 6 8 10 12 14 16। तो टोटल प्रोडक्ट का पहले हम ग्राफ ड्रा करते हैं। वन यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल आउटपुट आ गया 2, ये आ गया यहां पे 2 पे 3, मान लो यहां पे आएगा ये 3 पे 9 8 और 9, 3 पे 9, 2 पे 5 ये आएगा यहां पे 3 पे 9, 4 पे 12,
5 पे 14, 6 पे 15, 7 पे 14, 7 पे फिर 15 और 8 पे 14। अगर इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट कर्व। ये आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट कर्व। इसके बाद हम ड्रा करते हैं मार्जिन प्रोडक्ट कर्व। मार्जिन प्रोडक्ट 1 यूनिट ऑफ लेबर पे मार्जिन प्रोडक्ट है 2, सेम आएगा यहां पे। इसी तरह से 2 यूनिट्स पे मार्जिन प्रोडक्ट आ गया 3, मान लो यहां पे आएगा। 3 यूनिट्स पे मार्जिन प्रोडक्ट आता है 4, 5 यूनिट से मार्जिन प्रोडक्ट आ गया फिर 3, वापस कम होना स्टार्ट हो गया। 5 यूनिट पे 2, 6 पर 1, 7 पर 0 और 8 पर -1। अगर इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे पॉइंट्स को तो हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट वाली कर्व बन जाएगी। और इसी तरह से हम अगर एवरेज प्रोडक्ट वाली कर्व ड्रा करेंगे 1 पे 2, 2 पे 2, 3 यूनिट्स पे 3, 4 यूनिट्स पे फिर 3, 5 यूनिट्स पे 2.5, 2.5, 2.8 और 6 यूनिट पे 2.5, मान लो यहां पे आ जाए। 7 यूनिट पे 2.14 और 8 यूनिट पे 1. इसी तरह से इसको भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, ये कर्व हमारे पास बनेगी एवरेज प्रोडक्ट कर्व। ये जो हमारे पास यूनिट 3, एक ये कर्व बनेगी हमारे पास तीन स्टेजेस बन जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेज आ जाएगी, ये सेकंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और ये आ गया थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हम जब टोटल प्रोडक्ट देखते हैं कि ये इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, फिर उसके बाद डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट, और एक मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है। ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एमपी और ये आ गया मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी। हम देखेंगे कि पहले जो है तीनों बढ़ रहे हैं, यानी टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, मार्जिन प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है। जब सेकंड स्टेज में हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट जो है बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट बढ़ रहा है, मार्जिन प्रोडक्ट जो है सेकंड स्टेज पे डिमिनिश हो रही, कम हो रही, कहां पहुंच रही, जीरो पर पहुंच रही सेकंड स्टेज पे। एवरेज प्रोडक्ट जो है किसके,
यहाँ पर भी तीन यूनिट्स यहाँ पर भी इक्वल करती है मार्जिनल प्रोडक्ट के, और फिर उसके बाद डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाती है, ये भी बढ़ती है लेकिन ये भी डिमिनिशिंग रेट पे यानी कम होती है, सारी बढ़ती नहीं डिक्रीज होते जाती है, और एवरेज प्रोडक्ट मैंने आपको कहा कि माइनस नहीं होता है। थर्ड स्टेज आ गया कि जब टोटल प्रोडक्ट जो है फॉल करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट माइनस हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी डिक्रीज करता है। ये तीन स्टेजेस आ गए। यहां पर ये फर्स्ट स्टेज को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न्स सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज आ गया नेगेटिव रिटर्न्स, कि हमारा मार्जिन जो है नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो हमने देखा कि ये क्या, फर्स्ट स्टेज में टोटल प्रोडक्ट मार्जिन प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि रिलेशन बिटवीन जो है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिन प्रोडक्ट क्या है। रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट, नंबर वन, पहला है कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, मार्जिनल प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस। हमने देखा कि जब टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रोडक्ट भी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीज करता है। फिर सेकंड हमने देखा जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है उस कंडीशन में मार्जिन प्रोडक्ट जो है जीरो हो जाता है, when total product is maximum then margin product is equal to zero। third condition देखी हमने, when total product falls MP is negative, टोटल प्रोडक्ट जब कम होना स्टार्ट हो जाता है तो हमारे पास एमपी जो है नेगेटिव आ जाता है। तो ये आगे रिलेशन, टोटल रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिन प्रोडक्ट। अब रिलेशन बिटवीन मार्जिन प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, रिलेशन बिटवीन मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, नंबर वन है व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो इंक्रीजेस। हमने देखा कि पहले जब टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी फर्स्ट स्टेज में बढ़ रहा है, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एवरेज प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीजेस। सेकंड आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट ग्रेटर रेट देन एवरेज प्रोडक्ट, के मार्जिन प्रोडक्ट जो है ये हम देख रहे हैं कि ज्यादा बढ़ रहा है किसके निस्बत, एवरेज प्रोडक्ट के, एवरेज प्रोडक्ट का रेट कम है और मार्जिन प्रोडक्ट का रेट ज्यादा है।